hello students good morning how are you all subject math magic standard 4 chapter number 13 fills and Fancies. question 1 to 4 are completed today start the question number 5 find the measure of boundary of the saps given below and

तो हम उसे भी वन काउंट करेंगे ओके एंड काउंट टू हाफ स्क्वेयर एज वन यानी टू स्क्वेयर हाफ हाफ होंगे तो उसे भी हम वन काउंट करेंगे ओके यानी स्क्वेयर हाफ से कम होगा जीरो हाफ से ज़्यादा होगा वन एंड टू हाफ होगा तो उसे भी हम वन काउंट करेंगे ओके फर्स्ट वन फिगर ए उसकी बाउंड्री हम देखेंगे लेंथ ओके okay? तो ये हाफ़ से ज़्यादा है, तो यह आएगा one. ये आएगा वन ये हाफ है तो यानी वन अपॉन टू ओके नेक्स्ट ये हाफ से कम है तो उसे ज़ीरो काउंट करेंगे हम हाफ से ज़्यादा है वन पूरा स्क्वेर वन हाफ़ से ज़्यादा है वन ये भी हाफ़ से ज़्यादा है स्क्वेयर में तो ये भी आएगा वन ये कम है तो ज़ीरो ओके okay? और ये है हाफ़ तो यहाँ पे वन अपॉन टू ओके तो टोटल यहाँ पे स्क्वेयर होंगे वन टू थ्री फोर फाइव एंड हाफ़ एंड हाफ वन यानी टोटल सिक्स ये राइट ए इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर नेक्स्ट सेकेंड बी बी में ये हाफ से कम है दोनों तो ये जीरो ज़ीरो आएगा काउंट नहीं करेंगे ये हाफ से ज़्यादा है वन 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 हाफ से कम है नहीं आएगा नेक्स्ट ज़्यादा है वन 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 ये भी आएगा वन और ये दोनों हम हाफ में काउंट करेंगे ओके यानी वन अपॉन टू हाफ एंड हाफ टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन तो बी आएगा नाइन यर राइट बी इज इक्वल टू नाइन सेंटीमीटर नेक्स्ट सी वन, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये आएगा हाफ यानी वन अपॉन टू एंड सॉरी ये भी हाफ़ आएगा पूरा कंप्लीट नहीं है वन अपॉन टू और ये पूरा वन हाफ़ एंड हाफ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो टोटल एट ये राइट सी इज इक्वल टू एट सेंटीमीटर नेक्स्ट डी यहाँ पे आएगा टोटल फोर वन टू थ्री फोर बाकी सब हाफ से कम है इसलिए उसमें हाफ नहीं आएगा ये राइट डी इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर ओके अब क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ फिगर ए तो ए का आएगा सिक्स सेंटीमीटर यहाँ पे हमने काउंट किया है सिक्स सेंटीमीटर तो फर्स्ट वन हियर आंसर राइट सिक्स सेंटीमीटर सेकेंड वन फिगर बी तो वो है नाइन सेंटीमीटर ओके तो सेकेंड आंसर आएगा नाइन सेंटीमीटर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ फिगर सी यानी सी पे एट सेंटीमीटर तो यर राइट एट सेंटीमीटर एंड लास्ट वन डी तो डी इज़ फोर सेंटीमीटर येयर राइट फोर सेंटीमीटर ओके वन टू फोर क्वेश्चन आवर कंप्लीटेड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ मेनी कंप्लीट स्क्वेयर आर देर इन फिगर ए पूरा स्क्वेयर कितने कंप्लीट है तो यहाँ पे ए में हम देखेंगे अपर साइड सी यहाँ पे ये भी हाफ है हाफ 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 और हाफ तो यहाँ पे पूरा वन स्क्वायर आए स्क्वेयर आएगा ए में फिफ्थ वन हियर आंसर राइट वन ओनली स्क्वेयर वैसे ही बाकी में हम देखेंगे बी सी एंड डी में पूरा स्क्वेयर ओके तो उस पर आएगा फोर थ्री एंड टू सी बी में फोर वन टू थ्री फोर फोर स्क्वेयर कंप्लीट है सी में थ्री वन टू एंड थ्री स्क्वेयर एंड लास्ट वन डी में है टू स्क्वेयर वन एंड टू ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन एट में आएगा फोर थ्री एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन विच फिगर हैज़ द लिस्ट स्क्वेयर सबसे कम स्क्वेयर तो आएगा ए ए में ओनली वन स्क्वेयर है एंड लास्ट टें क्वेश्चन विच फिगर हैज़ द मोस्ट स्क्वेयर सबसे ज्यादा है बी में फोर स्क्वेयर ओके तो यर राइट ए एंड लास्ट आंसर राइट बी क्वेश्चन नंबर फाइव आवर कंप्लीटेड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड सेवन इज योर होमवर्क Next question number eight. Answer the following questions. First one from the corner of square A. If a small square of side one centimeter is cut off, then the figure format is B. Will the boundary of B be less or more than A? Find its length. यहाँ पे ए और बी की बाउंड्री देखनी हमें कौन सी ज़्यादा है और कौन सी कम है वो हम देखेंगे ओके ए की बाउंड्री है फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर प्लस फोर सेंटीमीटर प्लस फोर सेंटीमीटर टोटल फोर फोर जा सिक्सटीन तो ए तो का है सिक्सटीन सेंटीमीटर तो यहाँ पे ए में लिखेंगे सिक्सटीन सेंटीमीटर सेकेंड वन बी तो ये इतना ही है तो यहाँ पे फोर सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे भी फोर सेंटीमीटर और इन दोनों में वन सेंटीमीटर कट कर देंगे यानी थ्री सेंटीमीटर दोनों को आएगा थ्री सेंटीमीटर ओके सी फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर एंड थ्री सेंटीमीटर वन कट कर दिया तो ये वाली भी बाउंड्री हम काउंट करेंगे तो ये वन सेंटीमीटर प्लस वन सेंटीमीटर ओके अब टोटल काउंट करेंगे थ्री प्लस वन फोर एंड थ्री प्लस वन फोर हुए फोर फोर सिक्सटीन तो बी का भी आएगा सिक्सटीन सेंटीमीटर यानी दोनों इक्वल हुए दोनों की बाउंड्री है इक्वल डाउन साइड आंसर राइट फिगर ए एंड फिगर बी विल हैव इक्वल बाउंड्री लेंथ हियर फर्स्ट क्वेश्चन अवर कंप्लीटेड नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इफ द स्मॉल स्क्वेयर ऑफ साइड वन सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम द स्क्वेर अज सॉ बिलो दैन फिगर सी इज फॉर्मेड विल द बाउंड्री ऑफ सी बी लेस और मोर देन ए फाइन इट्स लेंथ यहाँ पर भी वैसे ही करना है जैसे अपर साइड किया तो पहले ए का बाउंड्री हम काउंट करेंगे थ्री सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर थ्री एंड थ्री थ्री फोर टाइम कम यानी थ्री फोर जा 12 यह राइट ट्वेल्व सेंटीमीटर ओके ए की बाउंड्री है ट्वेल्व सेंटीमीटर वैसे ही सी काम काउंट करेंगे ओके okay, यहाँ पे वन सेंटीमीटर कट कर दिया है तो यहाँ पे ये तीनों सेम ही है जैसे ए में था तो इसकी आएगी थ्री सेंटीमीटर तीनों की साइड यह राइट थ्री सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर एंड थ्री सेंटीमीटर और ये वन सेंटीमीटर का है तो वन सेंटीमीटर ये भी वन 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 एंड वन तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे ओके ओके सी वन सेंटीमीटर प्लस वन वन सेंटीमीटर प्लस वन प्लस वन यानी टोटल यहाँ पे होगा फाइव सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर प्लस थ्री सेंटीमीटर प्लस थ्री एंड प्लस थ्री तो यहाँ पे टोटल काउंट करेंगे हम कितने हुए तो सी की बाउंड्री आएगी टोटल फोरटीन सेंटीमीटर यानी ए से ज़्यादा आए ए की ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड सी फोर्टीन सेंटीमीटर ज़्यादा है डाउन साइड आंसर राइट लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ फिगर सी इज टू सेंटीमीटर मोर देन फिगर ए यानी ए से सी टू सेंटीमीटर ज्यादा है ओके फोर्टीन माइनस ट्वेल इज इक्वल टू टू यानी टू सेंटीमीटर इज मोर हि क्वेश्चन नंबर टू ऑल्सो कम्प्लीटेड क्वेश्चन नंबर थ्री हम नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीट करेंगे ओके थैंक यू